नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से IBA का ऑफर आने के बाद 15% फिर 16% 16% 2.5 लोड फैक्टर, उसके साथ कैलकुलेशंस के कई फॉर्मूले आप आ गए हैं जिसमें ये इंडिकेशन है कि हमारा बेसिक पे कितना होगा, हमारा DA कितना होगा और अगर हम ये यूनियन एग्री करती है तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। उस बारे में मैंने भी एक दो दिन पहले आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने केवल बेसिक पे और DA की बात की थी, मैंने स्पेशल अलाउंस की बात नहीं की थी। हालांकि स्पेशल अलाउंस भी हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें बात यह है कि स्पेशल अलाउंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, हालांकि ये हानिकारक है और IBA ने भी कह दिया अपने मीटिंग में इट इज मैटर सबजुडिस। सबजुडिस का मतलब कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है, यूनियन यहां पर वीक है। कोई भी मामला कोर्ट में होने पर अगर उन दोनों पक्षों के बीच में कोई अमिकेबल सेटलमेंट होता है तो हम कोर्ट को यह सूचना दे सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन चूंकि IBA को इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, योर BU इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेटल अबाउट द स्पेशल अलाउंस और मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस इन टू बेसिक, सो दे आर इग्नोरिंग दिस फैक्टर। सो चलिए हम उसको भी इंक्लूड करके चलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पेशल अलाउंस DA बेसिक पे में मर्ज होगा। अगर हम 16% पे स्लिप पर हाइक हो और 2.5% लोड फैक्टर हो तो स्केल 1 ऑफिसर के हिसाब से देखें तो लास्ट 11 बाइपार्टाइट में बेसिक वॉज 23,700 एंड DA मर्ज हुआ 11,328, दैट इज 47.80 और लोड फैक्टर वाज 2.5% अर्लियर भी था 875.72 और न्यू बेसिक अकॉर्डिंगली 35,904 जो राउंड ऑफ करके 36,000 बना। अब 12th बाइपार्टाइट में हमारा जो प्रेजेंट बेसिक पे है 11th बाइपार्टाइट के तब 36,000 DA मर्जर 30.38% 10,936.80 2.5 लोड फैक्टर अकॉर्डिंगली 1173.42 और न्यू बेसिक जो बन रहा है 48,110 राउंड ऑफ करके 48,200। अब पहले के भी कैलकुलेशन में देखे होंगे कि 48,135 यानी कुल मिला के वो राउंड ऑफ करके 48,200 47.80 DA एज ऑफ नवंबर 16, सो 30.38 DA एज ऑन नवंबर 21, विच एक्चुअली शुड बी DA 36.82 एज ऑफ द नवंबर 22। अब अगर हम स्केल 1 का हिसाब से देखें तो अक्टूबर 22 में क्या था और नवंबर 22 जो कि 1 नवंबर 22 से हमारा 12th बाइपार्टाइट इंप्लीमेंट होना है। चार्ट के जरिए समझिएगा, बेसिक 36,000, DA एट द रेट ऑफ 36.82 दैट इज 13,255, स्पेशल अलाउंस 5,904 उस पे DA 36.82 अगेन 2,173.85 टोटल 57,333.05। और अगर नवंबर 16% पे स्लिप पे हाइक प्लस 2.5% लोड होता है तो अकॉर्डिंगली हमारा न्यू बेसिक 48,200 और DA 6% के हिसाब से 2,892 और स्पेशल अलाउंस जो 16.40 था वो बढ़ के 30% की आएगा 14,460 और उस पे DA 6% 867 एंड टोटल ग्रॉस बनेगा 66,419.16। ये 16% हाई पे स्लिप पे
और 2.5% लोड होगा। अब एक्सेप्टेंस क्या होती है यूनियन की, उसके हिसाब से अगला इंडिकेशन आएगा कि क्या वेज स्ट्रक्चर का फार्मूला हो सकता है। और हम क्लरिकल कैडर की बात करें, क्योंकि क्लरिकल कैडर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें देखें कि 11th बाईपार्टाइट के समय एग्रीमेंट जब हो रहा था तो उनका बेसिक पे 11,765 था, DMR जो हुआ 47.80%, दैट इज 5,623, और लोड 2.5, दैट इज 434.72, न्यू बेसिक 17,823.39, एंड राउंड ऑफ करके दैट वाज 17,900। और 12th BPS में यही हमारा जो प्रेजेंट बेसिक पे नवंबर 17,900, DA 30.38%, 5,438.20, और लोड फैक्टर 2.5% के हिसाब से 583.45, और न्यू बेसिक 23,921, पैसा 47, राउंड ऑफ करेंगे तो 24,000 है। यहाँ पे इंडिकेट कर दें कि 47.80 DA नवंबर 16 में था और 30.38 DA एज ऑफ नवंबर 21 था। अब क्लरिकल में अक्टूबर 22 और नवंबर 22 में, क्योंकि एग्रीमेंट हमारा नवंबर 22 से लागू होगा, अक्टूबर 22 में 17,900, DA 36.82 के हिसाब से, स्पेशल अलाउंस 16.40 के हिसाब से, और स्पेशल अलाउंस पर डीए 36.82 के हिसाब से। अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी 28,507.27, और नवंबर 22 में आफ्टर रिवीजन द बेसिक पे विल बी 24,000, डीए 1,440, स्पेशल अलाउंस 30% के हिसाब से 7,200, और ऊपर डीए 6% के हिसाब से 432, टोटल 33,072, यानी कि 28,507 से इट विल बी 33,072। उस पे ये कैलकुलेशन विद 2.5% लोड ऑन बेसिक एंड 16% राइज इन पे स्लिप, ये कैलकुलेशन आएगा। और अगर इस बात पे यूनियन एग्री करती है तो कि 16% ऑफर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं प्लस 2.5% लोड, लेकिन ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं है। लोड फैक्ट पे स्लिप पे एटलीस्ट 20% का हाइक, और कम से कम नहीं कुछ तो ये लोड फैक्टर बढ़ना चाहिए। 2.5% बहुत कम है, क्योंकि पहले भी हम 8088 पॉइंट मर्ज होने के वजह से 4.5% का हमें लॉस ऑलरेडी हो चुका है। सो वी रिक्वेस्ट टू यू ऑफ यू मस्ट वॉच द बेनिफिट ऑफ द बैंक एम्प्लाइज बैंक ऑफिसर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी दीपावली, नमस्कार।